देश के दिग्गज बैंकों की डेटा सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। बैंकों का डेटा चोरी होने से 19 बैंकों के 641 ग्राहक प्रभावित हुए हैं। सभी ग्राहकों को पिन बदलने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग बैंकों के 32 लाख डेबिट कार्ड पर संकट के बादल छाए हैं। कार्ड क्लोन कर ऑनलाइन खरीदारी और पैसे निकाले जाने की शिकायत के बाद सबसे पहले SBI ने डेबिट कार्ड ब्लॉक किए। SBI के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, सेंट्रल बैंक और आंध्रा बैंक ने भी एहतियातन संदिग्ध डेबिट कार्ड ब्लॉक करने का फैसला किया। वहीं ICICI बैंक, HDFC और इस बैंक ने अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड का पिन बदलने को कहा है। हालांकि अभी तक ज़्यादातर बैंक यही कह रहे हैं कि डेटा चोरी उनकी तरफ से नहीं हुई और उनका सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े स्तर पर ATM कार्ड की सुरक्षा खतरे में पड़ने के बाद इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बताया जा रहा है कि टैची पेमेंट सर्विस सिस्टम से जुड़े ATM का इस्तेमाल करने वाले लोगों का पिन चोरी हुआ। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में गुरुवार को एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में अभी तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर बचाव काम में जुटे हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री अजय नंदा ने बताया कि घायलों को एम्बुलेंस के जरिए जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है, 22 जो हैं वो कन्फर्म्ड हैं जो लोग मर गए हैं। बाकी जो लोग हैं उनको एम्बुलेंस से यहाँ से शिफ्ट किया गया है इमीडिएटली डाल के, और फर्स्ट एड कटरा से भी हमने एम्बुलेंसें मंगवाई हैं, NHPC की भी हमने एम्बुलेंस मंगवाई हैं, आर्मी वालों की भी मंगवाई हैं, और एयर जो ज़्यादा सीरियस एयरलिफ्ट की भी हमने बात की है, वो भी आर्मी वालों से बात हो गई है लगभग। लेकिन इमीडिएटली यहाँ से रेस्क्यू, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा है कि इनको इमीडिएटली शिफ्ट करना पड़ेगा, जम्मू हम कर रहे हैं।